हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ब्रिलियंट ब्रेन्स। आज की वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको ज्योग्राफी के सिलेबस से अपडेट कराने जा रही हूँ, जो कि फाइनल एग्जाम में आना है। कितने चैप्टर टोटल आपके ज्योग्राफी के अंदर है और कौन से चैप्टर ऑप्शनल है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए ताकि आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करने में हेल्प रहे कि आपको कैसे पेपर के लिए अपने आप को तैयार करना है। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना पसंद करूंगी कि आपने अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो काइंडली डू दैट और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप नई वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन ले सकें और आप खुद को अपडेट कर सकें। लेट्स प्रोसीड अहेड। सिलेबस के अंदर क्या है, ज्योग्राफी के अंदर आपके टोटल 9 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं? 9 चैप्टर हैं। इनमें से हम सबसे पहले उन चैप्टर्स की बात करते हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करने हैं, तो माइंड को फ्री कर लेते हैं, फ्रेश कर लेते हैं, रिलैक्स मोड में लेके जाते हैं। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड रिसोर्सेज सेकंड नंबर चैप्टर है आपका ज्योग्राफी के अंदर। यहाँ से कोई भी पेपर फाइनल एग्जाम के अंदर, सॉरी क्वेश्चन फाइनल एग्जाम के अंदर बिल्कुल भी नहीं आना है। एक नंबर का भी क्वेश्चन इस चैप्टर में से नहीं उठाया जाएगा। ये खाली पीटी के लिए आपका कंसिडर होना, मीन्स पीरियोडिक टेस्ट जो होते हैं आपके उसमें कंसिडर होना है। तो यू नीड नॉट टू वरी टू डू दिस चैप्टर, आपको बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। अगर क्लास के अंदर टीचर कराता भी है तो भी आपको ये चैप्टर करने की जरूरत नहीं है, लर्न करने की जरूरत नहीं है। थर्ड है आपका वाटर रिसोर्सेज चैप्टर, ये भी आपका पीरियोडिक टेस्ट के अंदर आएगा ओनली। और इसमें से केवल एक चीज है कि मैप आ सकता है इसमें से, जो कि सीबीएसई ने कंसिडर किया है कि मैप वर्क के अंदर इसको कंसिडर किया जाता है। इस चैप्टर के अंदर डैम्स का मैप होता है कि इंडिया के अंदर कितने डैम्स है और कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है, वो आ सकता है आपका। बाकी क्वेश्चन फाइनल एग्जाम के अंदर यहाँ से कोई भी नहीं आने वाला है। तो 9 चैप्टर में से आपके 7 चैप्टर रहेगा, 2 आपके डिडक्ट हो जाते हैं। अब चैप्टर आपको कौन कौन से करने हैं, एक तो चैप्टर नंबर फर्स्ट करना है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, संसाधन और विकास। चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर मीन्स कृषि। चैप्टर नंबर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, खनिज और ऊर्जा संसाधन। 6 है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज मीन्स औद्योगिक विनिर्माण उद्योग मीन्स टू से, एंड लाइफ लाइन एंड नेशनल इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। अब इनमें से कौन कौन से चैप्टर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं जो कि बच्चे हर हाल में उनको करना ही पड़ेगा, चाहे उनका इंटरेस्ट है या नहीं है, अगर आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो। फर्स्ट है आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, देन एग्रीकल्चर, थर्ड है आपका लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ये 3 चैप्टर आपको हर हाल में करने ही करने हैं। इन 2 चैप्टर्स में से आप ऑप्शनल में कर सकते हो। अगर आपको 90% स्कोर करना है देन आपको ये 5 के 5 चैप्टर करने हैं। अबव 95% वाले ये 5 चैप्टर करेंगे। जिनको 60-70 तक काम चलने वाला है उसी में वो सेटिस्फाई है, वो इन दोनों चैप्टर में ऑप्शन ले सकते हैं। और जिनको बिल्कुल ही पास होना है वो सिर्फ ये 3 चैप्टर कर सकते हैं, इजिली पास हो जाएंगे। और जो मैप वर्क आता है आपका ज्योग्राफी के अंदर से आता है और हिस्ट्री के अंदर से आता है, 3 मार्क्स का हिस्ट्री से आएगा, जो मैं आपको बता चुकी हूँ वीडियो लेक्चर के अंदर। डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे इस वीडियो के लिंक में भी डाला है, डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है उसका लिंक, आप वहां से देख सकते हैं। और सेकंड आपका जो 3 मार्क्स का जो आएगा मैप वो ज्योग्राफी के अंदर से आएगा, आपका पोल साइंस और सिविक्स के अंदर से कोई भी मैप वर्क नहीं आता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर नेक्स्ट सब्जेक्ट को कवर करते हैं, पेपर पैटर्न और उसका सिलेबस। टिल देन कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।